नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 5 की एक्सरसाइज और कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें डेट डालनी है, उसके बाद चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर नंबर लिखना है। आफ्टर दैट वी विल राइट द हेडिंग कीवर्ड्स। द कीवर्ड दैट आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर आर फर्स्ट इज चर्निंग। ठीक है, चर्निंग इट इज द मेथड ऑफ द सेपरेशन विच इज यूज टू ऑब्टेन बटर फ्रॉम कर्ड और मिल्क। यानी सेपरेशन का वो मेथड जो जिससे बटर को कर्ड या दही से सेपरेट, दही से या दूध से अलग किया जाता है, वो मेथड आपका क्या कहलाता है, चर्निंग। नेक्स्ट की वर्ड इज कंडेंसेशन। चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी वाटर वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना ठंडा करने पर क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। सेडिमेंटेशन, वी टेक अ मडी वाटर इन अ बीकर एंड अलाउ मड टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी जब हम मडी वाटर को बीकर में लेते हैं, उसे कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि जो मड है वो बॉटम पे जाके सेटल हो जाती है और इसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है डीकेंटेशन। When mud settle down at the bottom of the beaker, then we separate clear water in the other beaker. It is called decantation. यानी sedimentation के बाद हम क्या करते हैं, जो साफ पानी होता है, ठीक है, muddy water का जो ऊपर साफ पानी रह गया उसको हम दूसरे बर्तन में separate कर देते हैं, इसको हम decantation बोलते हैं। Evaporation. Evaporation, the changing of water into vapor on heating is called evaporation. Water का water vapor में convert होना गर्म करने पर क्या कहलाता है, evaporation. Next is filtration. Separating component of a mixture with the help of filter paper. यानी एक किसी mixture के component को filter paper की मदद से separate करना क्या कहलाता है, filtration. Next हम बात करते हैं हैंड पेकिंग। द मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज डन बाय हैंड। यानी वो मेथड सेपरेशन का जिसमें किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को हम हाथ द्वारा अलग करते हैं, वो हैंड पेकिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी वो सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्ट को नहीं डिसॉल्व किया जा सकता, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। Next is sieving. The method of separation in which larger component of mixture is separated from a small one with the help of sieve is called sieving. यानी वो method जिसमें किसी mixture में यदि दो ऐसे component mix हैं जिसका एक का size बड़ा है दूसरे का छोटा है, तो उनका उसमें बड़े component को छोटे से अलग करने के लिए हम sieving का use करते हैं। Solution. When a salt dissolves in a liquid, then mixture is called solution. जब किसी salt को हम liquid में mix करते हैं, तो जो mixture तैयार होता है, उसको हम solution बोलते हैं। Next है threshing. The method of separation of grain from stalk by beating crop is called threshing. यानी grain को उसके stalk से अलग करने का जो तरीका है, जिसमें कि हम stalk को लगातार beat करते हैं, पीटते हैं, किसी पत्थर से टकराते हैं, तो वो जो मेथड है ये थ्रेशिंग कहलाता है। नेक्स्ट विनोइंग, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम हस्क पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ विंड। यानी ग्रेन को उसके हस्क पार्टिकल से अलग करने का तरीका विंड की हेल्प से क्या कहलाता है, विनोइंग। अब कीवर्ड्स आपके जो है वो खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, क्वेश्चन आंसर्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल। हमें दो जो कंपोनेंट होते हैं किसी मिक्सचर के, उनको अलग करने की जरूरत क्यों होती है, एग्जांपल दीजिए। तो वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस टू सेपरेट टू यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम इट्स मिक्सचर। कई बार हमें दो किसी मिक्सचर में दो यूजफुल चीजें मिक्स हो गई है, उनको अलग अलग करना पड़ता है, इसलिए हम जो मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। दूसरा, सम टाइम वी यूज सेपरेट वेस्ट फ्रॉम यूजफुल कंपोनेंट। कभी कभी हम जो हमारा यूजफुल कंपोनेंट है उसमें कोई ऐसी चीज मिक्स हो गई है जो यूजफुल नहीं है, तो उसको अलग करने के लिए हम सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं।
एग्जाम्पल है जैसे कि बटर और मिल्क, बटर और मिल्क को हम यूज करते हैं जिसमें दोनों ही कंपोनेंट जो है वो यूजफुल हैं, और हम उन्हें अलग करते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग उनका ज्यादा यूज है। नेक्स्ट स्टोन और ग्रेन, अब स्टोन जो है ग्रेन के अंदर मिक्स हो जाए, स्टोन जो है वो यूजफुल नहीं है लेकिन ग्रेन यूजफुल है, इसलिए हम स्टोन को क्या करेंगे उसमें से अलग कर देंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड। तो विनोइंग क्या है, विनोइंग इज अ सेपरेशन मेथड। विनोइंग क्या है, सेपरेशन मेथड है विच इज यूज टू रिमूव हस्क पार्टिकल फ्रॉम ग्रेन, और जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हस्क पार्टिकल को ग्रेन से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग, यानी आप हस्क और डर्ट पार्टिकल को यदि वो दाल में मिक्स हो गए हैं पकाने से पहले दाल को कैसे अलग करोगे, ठीक है, तो हस्क पार्टिकल को हम विनोइंग मेथड से जो है अलग करेंगे। वी विल सेपरेट हस्क पार्टिकल फ्रॉम पल्सेस बाय विनोइंग। अगला है व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यू, सीविंग क्या है, सीविंग इज अ सेपरेशन मेथड, इट इज सेपरेशन ऑफ, सीविंग इज द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ द सीव, यानी जब हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को सीव की मदद से अलग करते हैं तो ये क्या कहलाता है, सीविंग। और वेयर इज इट यूज, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट टी लीफ फ्रॉम टी होगा बेटा, यहाँ पर गलती से लीव लिख गया है लेकिन टी लीफ फ्रॉम टी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर, सैंड और वाटर को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर बाई सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, यानी ये तीनों मेथड हम यूज करके सैंड को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। अगला है इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद द व्हीट फ्लोर, क्या यदि चीनी आपके आटे के साथ मिक्स हो गई हो, गेहूं के आटे के साथ, क्या आप उसको अलग कर सकते हो, यस। तो इसमें पूछा है कि यदि कर सकते हो हाउ विल यू डू इट, कैसे करोगे, तो इट इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर फ्लोर बाय सीविंग। तो कहने का मतलब शुगर को हम फ्लोर से कैसे अलग करेंगे, सीविंग के द्वारा। इट इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर फ्रॉम फ्लोर बाय सीविंग। अगला है हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर, तो आप क्लियर वाटर, मडी वाटर में से क्लियर वाटर को कैसे सेपरेट करोगे, तो इसमें वही आंसर होगा जो पीछे था, वी विल सेपरेट क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर बाय सेडिमेंटेशन डीकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सेम वही आंसर जो है आपके क्वेश्चन नंबर 7 का है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड थ्रैशिंग। तो फर्स्ट फिल अप में क्या आएगा, थ्रैशिंग। When milk cooled after boiling, it is poured into a piece of cloth. The cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of filtration. Next, salt is obtained from sea water by the process of evaporation. ठीक है, इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज कैप्ड ओवरनाइट इन द बकेट, द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज इन दिस प्रोसेस इज डीकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो ये सब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ये चैप्टर में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन, क्या मिल्क और वाटर को हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, तो फॉल्स। A mixture of the powder salt and sugar can be separated by the process of the winnowing. Salt और sugar को हम winnowing के द्वारा separate कर सकते हैं, तो ये भी false है क्योंकि दोनों में से कोई भी lighter ज्यादा नहीं होता है। अगला है separation of the sugar from the tea can be done with the filtration, यानी sugar को हम आपकी tea से filtration से अलग कर सकते हैं filtration method से, तो ये भी false है। Grain and husk can be separated with the process of decantation. Grain और husk को हम
डिकेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं हम, ग्रेन और हस्क को हम क्या करेंगे वाटर में डिजोल्व कर देंगे, जिससे हस्क पार्टिकल जो है वो फ्लोट करने लगेंगे वाटर के ऊपर, ग्रेन जो है वो नीचे बैठ जाएंगे, फिर हम डिकेंटेशन से हस्क पार्टिकल को जो है वो ग्रेन से अलग कर देंगे। तो ये ट्रू है। अगला है लेमोनार्ड वाला क्वेश्चन कि लेमोनार्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है, और यदि हम उसे गर्म करते हैं क्या गर्म पानी में जल्दी शुगर डिसॉल्व हो जाती है, या आपके जो ठंडा पानी है उसमें जल्दी शुगर डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो वी विल ऐड आइस आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर। इस क्वेश्चन में था बेटा कि आप जब लेमोनार्ड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें जो आइस है आप उसको चीनी को घोलने से पहले डालना पसंद करेंगे या बाद में? तो हमारा आंसर ये होगा कि हम चीनी को डिसॉल्व करने के बाद में आइस को डालना पसंद करेंगे, क्योंकि जो गर्म पानी है उसमें जो चीनी है वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि यदि हम उसमें बर्फ पहले डाल देंगे तो हमारी जो शुगर है वो इजीली डिसॉल्व नहीं होगी पानी में। तो इसका आंसर है वी विल ऐड आइस आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर, बिकॉज इन वार्म वाटर मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इजीली, क्योंकि गर्म पानी में ज्यादा सॉल्ट हम डिसॉल्व कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है इसी के साथ, ये जो चैप्टर की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, इसी के साथ आपकी ये वीडियो भी खत्म होती है। धन्यवाद, और अच्छे से जहां जहां मैंने करेक्शन किया है इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू।